हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बनाने वाले हैं सेवई का ये बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। और तो और आपको इसे बनाने के लिए बस सेवई चाहिए और कुछ भी नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले आपको एक बर्तन में पानी गर्म कर लेना है और सेवई को बॉईल करना है। आप चाहें तो एक दो बूंद तेल भी डाल सकते हैं ताकि ये चिपके ना। ये जो सेवई है ये मोटा वाला सेवई, ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए बॉईल करना है, पर इसे बहुत ज़्यादा बॉईल ना करें, नहीं तो ये पूरा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा सेवई अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसे किसी बर्तन में निकाल के इस तरह से ठंडे पानी से धो लें और ठंडा होने के लिए रख दें। अब आपको एक कढ़ाई लेना है, उसमें तेल डाल लें, 3-4 चम्मच ज़्यादा ही डालें। फिर जीरा, सरसों, कड़ी पत्ता और मिर्च डाल लें। अब 2-3 हरी मिर्च और 1 बड़ा प्याज डाल लें। अब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें रोस्टेड पीनट्स डाल लें। तो जब तक हमारा बादाम पक रहा है, सेवई लें, उसमें 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डालें, गरम मसाला डालें और हल्दी डाल लें 1 चम्मच। अब आप इसे अच्छी तरीके से मिला लें और जो भी पानी है उसे निकाल लें। तो हमारा बादाम पक चुका है, अब इसमें सेवई डाल लें। अब आपको इसे अच्छी तरीके से मिलाना है, इस तरीके से। अगर आपके पास नींबू है तो 1 नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।